हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके खुद के चैनल कमल एकेडमिक कोच में। देखिए, लॉकडाउन का जो समय हमारे लिए बीत रहा है, ये बहुत कठिन समय है और इस कठिन समय में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है तो वो है बच्चों की एजुकेशन। 9th, 10th, 11th, 12th के लिए मैं कॉन्स्टेंटली आप लोगों के लिए वीडियोज़ ला रहा हूँ, जिससे कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी बच्चों का मेरे को मिल रहा है, पेरेंट्स का मिल रहा है और सभी लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई, जो वीडियोज़ बन रही है उससे बच्चों को बड़ा लाभ हुआ। बट जो प्राइमरी से लेकर और 10th तक के बच्चे हैं उनके लिए कुछ भी अभी तक हमारे चैनल ने नहीं सोचा था, तो इसके लिए मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने बोला, मेरे कुछ मिलने वाले लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने कहा भाई बच्चों के लिए कुछ ऐसा प्लान कीजिए जिससे कि जो प्राइमरी की एजुकेशन है वो भी अफेक्ट ना हो। तो इस सब को ध्यान रखते हुए हमने एक टीम बनाई टीचर्स की, जो कि बहुत अच्छी टीम बनी है और इन टीचर्स की टीम के थ्रू हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रॉम प्राइमरी टू 9th level, 10th level, वो सभी को एक जगह कंपाइल करके हम वीडियोस बनाकर आप लोगों के सामने लाएंगे। और इसी श्रृंखला में मेरे बहुत सारे टीचर्स की जो टीम है उनके कुछ वीडियोस में आपके सामने आज इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। तो मैं चाहूंगा जो भी इस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हों बच्चे, वो इस वीडियो को देखें और जो लॉकडाउन के पीरियड में उनकी पढ़ाई पे जो इन इफेक्ट्स पड़ रहे हैं उन सभी से वो निजात पा पाएंगे। तो आइए मैं इंट्रोड्यूस करता हूं अपने टीचर्स को आपसे। जो भी टीचर पर वीडियो आपके पास आएंगे वो अपना इंट्रोडक्शन स्वयं देंगे और आगे अपनी वीडियोस को पोस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बने रहिए चैनल पर और देखते रहिए इन वीडियोस को और अपने बच्चों को एजुकेट करते रहिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे कंजर्वेशन, मीन्स कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं कंजर्वेशन होता क्या है, क्योंकि मेनली क्या है, आजकल पॉपुलेशन जितनी बढ़ रही है तो उस सबको नीड करने के लिए, इनकी नीड को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे और धीरे धीरे जो हमारे नेचर में रिसोर्स हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। इसीलिए इसी नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्व करके रखते हैं, क्यों, फ्यूचर के लिए, ताकि फ्यूचर आगे काम आ सके, इसे बोलते हैं कंजर्वेशन। हमें कंजर्वेशन के नाम से समझ में आ रहा होगा, कंजर्व यानी कि किसी भी चीज़ को कंजर्व रखना, मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज का वाइज यूज, यानी कि जितना यूज़ हो रहा है, जितना काम में आ रहा है उतना यूज़ करना और प्रिजर्व करके रखना और इस रिसोर्स को कम्प्लीटली स्टोर ना करना। नेक्स्ट हम आते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब ये बायोडाइवर्सिटी है क्या, तो हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स, कई तरीके के ऑर्गेनिज होते हैं जो कि इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, उन सबको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। मेनली इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है और लगभग ये वेराइटीज़ में हमारा फ्लोरा और फौना या अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म आ सकते हैं। तो फ्लोरा फौना क्या होते हैं, मेनली फ्लोरा जो होता है वो प्लांट होता है ग्रुप, जो प्लांट्स की सारी स्पीशीज होती हैं उन्हें फ्लोरा बोलते हैं और फौना जो एनिमल्स की सारी स्पीशीज होती हैं उसे हम फौना बोलते हैं। अब फॉरेस्ट क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में, एयर को कंजर्व करने में, वाटर को कंजर्व करने में या लैंड को कंजर्व करने में। तो मेनली हमारा फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि वो बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व रखता है हमारा। नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं सारी इसमें प्लांट्स की और एनिमल्स की। फॉरेस्ट हमें बहुत चीज़ प्रोवाइड करती है, लाइक टिम्बर हो गया, वुड हो गया, फूल, मेडिसिन, ये सब चीज़ प्रोवाइड करती है। फॉरेस्ट होगा वो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके चलता है, क्लाइमेट और रेनफॉल को कंट्रोल करके चलता है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, ऑक्सीजन देता है हमें, फूड, मेडिसिन कितने सारे मिलते हैं हमें उससे। तो ये इसलिए हमें फॉरेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेनली पहला वे क्या होता है, कटिंग ट्रीज। हम ट्रीज को कट करते हैं बहुत सारे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो उससे क्या होता है, हमारी हैबिटेट जो होती है प्लांट्स एनिमल्स की वो खो जाती हैं सारी। और अगर हम ट्रीज को रिप्लांट करते हैं फॉरेस्ट में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये कंजर्वेशन के लिए। तो मेनली जब कट करो ट्रीज को तो उसकी जगह दोबारा नया ट्री यानी कि प्लांट कर दो एक दूसरे। तो मेनली फॉरेस्ट की या ट्रीज की कटिंग हमें स्टॉप कर देनी चाहिए और जितना भी ज़रूरी काम है तो वो मेनली बहुत कम से कम करो। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेसिव ग्रेजिंग। इसमें क्या होता है, अब पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, सबकी बढ़ रही है, पीपल्स की बढ़ रही है, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स की भी बढ़ रही है। तो जब एनिमल्स की बढ़ रही है तो वो ओवर ग्रेजिंग भी ज़्यादा करेंगे, उससे क्या होगा, हमारा जो लैंड है उसे सॉइल इरोजन हो सकता है उसमें, तो इस चीज़ को भी कंट्रोल करना चाहिए। देन आती है पॉइजनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हम बहुत सारे वेस्ट होते हैं, डिस्पोजल वेस्ट होते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, तो इससे क्या होता है, बहुत इफेक्ट्स पड़ता है फॉरेस्ट वगैरह को, तो इन सब चीज़ को भी अवॉइड करना चाहिए मेनली। देन बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं हम,
आप सबसे पहले इसमें स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे, मेनली किस किस टाइप से स्पीशीज हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं एंडेमिक स्पीशीज की। ये जो स्पीशीज होते हैं ये मेनली पर्टिकुलर एरिया पे मिलते हैं, एक जगह, ये हर जगह नहीं पाए जाते हैं ये। नेक्स्ट बात करते हैं एंडेंगेड स्पीशीज। तो ये जो स्पीशीज होते हैं ये मेनली डेंजर जोन में होते हैं, ये ख़त्म होने वाले ही हैं। जैसे कि एग्जांपल आ गया हमारा एशियन लॉयन हो गया, राइनोकेसर हो गया, ब्लू वेल है, तो ये बहुत डेंजर जोन में है, देन ये कंसिडर करेंगे हम एंडेंगेड स्पीशीज में। देन आता है हमारा एक्सटेंट स्पीशीज, ये खो चुके हैं बिल्कुल, जो स्पीशीज प्लांट्स के एनिमल्स की है वो बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी है, उन्हें हम एक्सटेंट स्पीशीज बोलते हैं, एग्जाम्पल डोडो। देन आता है थ्रेटेंड स्पीशीज, तो जो स्पीशीज एंडेंगर्ड को बिलोंग्स करते हैं या बहुत ही कम बचे हुए होते हैं उन्हें थ्रेटेंड स्पीशीज में क्लासिफाई करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि रेड बाइल टर्टल, बेल ईगल, ये सिर्फ इस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। अब गवर्नमेंट्स ने कुछ एनजीओज बना रखे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए किसको, एनवायरमेंट को। और ये कौन कौन से एनजीओज हैं ये देखते हैं। पहला आता है वर्ल्ड वाइड फंड WWF, एंड सेकेंड इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, इसे बोलते हैं IUCN। ये मेनली हमारे इंडिया में होता है और इस IUCN को हम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी बोलते हैं। IUCN जो है वो रेड डाटा बुक पब्लिश करती है, मेनली इसमें क्या होता है स्पीसीज का पूरा चीज रखी होती है कि इसमें कितने स्पीसीज हैं, कितने थ्रेटेंड है, कितने एंडेमिक है, कितने इंडेंगर्ड है, तो ये पूरी लिस्ट दे रखी होती है रेड डाटा बुक की, कितने जाने वाले हैं, कितने चले गए हैं। कुछ एनजीओज हैं जो इस पे वर्क कर रहे हैं, जैसे कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये दिल्ली में है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये दिल्ली में है। तो ये कुछ इंडिया के एनजीओज हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छे से वर्क कर रहे हैं। फिर सब कंट्रीज ने कुछ लॉ बना रखे हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे सेफ करने के लिए, मेनली ये गवर्नमेंट के लॉज हैं, जैसे कि ये द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1986 में आया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये 1980 में आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1972 में आया था। अब कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंट्रीज में। नेशनल पार्क क्या होता है, मेनली ये एरियाज रिजर्व्ड होते हैं, स्ट्रिक्टली रिजर्व होते हैं किसके लिए, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए। इसमें मेनली फ्लोरा फौना होते हैं, दोनों होते हैं, और कोई भी एक्टिविटीज या परफॉर्म नहीं होती इसके लिए, रिस्ट्रिक्शंस होता है। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सेंचुरी से फौना के लिए, फौना की प्रोटेक्शन के लिए होती है। यहाँ किलिंग या किसी भी स्पीशीज को पकड़ना बहुत बैंड होता है यहाँ पे बिल्कुल। देन जूलॉजिकल पार्क, मेनली से जू बोलते हैं, तो जो पार्क क्या एनिमल्स के लिए इनक्लोज होते हैं, हम देखने जाते हैं, पब्लिक्स वगैरह देखने जाती है, तो ये सारे जो बोलते हैं वो जूलॉजिकल पार्क्स में होते हैं एनिमल्स। नेक्स्ट बॉटेनिकल गार्डन, मेनली ये जो गार्डन होता है ये जो बहुत रेयर स्पीसीज होते हैं प्लांट्स की या जाने वाली होती है उनके लिए कंजर्व होता है ये। नेक्स्ट आता है बायोस्फीयर रिजर्व, ये उस एरियाज को प्रोटेक्ट करता है जहाँ पीपल एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी सिस्टम का, तो उसे बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहाँ कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज दे रखे हैं जिसके लिए ये फेमस है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, ये किसके लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनोकेरस हो गया, डक हो गया, इसके लिए फेमस है। बहुत सारी चीज़ें इसमें सेंचुरी दे रखी हैं, नेशनल पार्क्स हैं इसमें, रिजर्व है, तो ये सारे आपको पढ़ने हैं। देन आती है हमारे प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर बेसिकली इसके पीछे बहुत इंडिया की बहुत बड़ी स्टोरी है, जिसमें क्या गवर्नमेंट्स ने क्या करा, मेनली जो टाइगर होते हैं वो ख़त्म होने वाले थे, ये ज़्यादा चले जा रहे थे, मतलब दिख नहीं रहे थे कहीं भी, तो गवर्नमेंट ने और जो हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है उनने एफर्ट लगाया उस टाइगर को सेव करने के लिए, जितने भी बच्चे हैं जो एक्सटेंशन होने वाले हैं उन सबको सेव करने के लिए। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ मेनली 1973 में लॉन्च हुआ, यहाँ बहुत सारे टाइगर रिजर्व किए जाते हैं ऑल ओवर कंट्री के, तो यहाँ मेनली 57 टाइगर रिजर्व हैं अलग अलग, यानी कि 18 डिफरेंट स्टेट्स में। देन अब इन्वायरमेंट को इम्प्रूव या सेफ किस तरीके से कर सकते हैं, मेनली जो डिस्पोजेबल वेस्ट होता है वो बायोडिग्रेडेबल भी होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है, तो वो अलग अलग रखा जाए दोनों को, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, ओल्ड बैटरीज है, टायर्स वगैरह होते हैं उसको रिसाइकल कर सकते हैं, किसी भी वेस्ट को बर्न ना करें, बैग्स जो होते हैं पॉलिथीन बैग्स उसको रिसाइकल कर सकते हैं। देन है माइग्रेशन, अब माइग्रेशन क्या होता है, ये मेनली एक सीजनल मूवमेंट होता है किसका, एनिमल्स का, यहाँ पे क्या करते हैं ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाते हैं,
जब सीज़न चेंज होता है तो वो अपनी जो पोजीशन होती है या अपना जो हैबिटेट होता है वो चेंज कर लेते हैं। मेनली इसमें बर्ड्स माइग्रेशन है, तो बर्ड्स जैसे कि सीज़न चेंज हुआ वो कोल्ड से बचने के लिए अपनी फेवरेबल कंडीशंस में चले जाते हैं। इनको क्या होता है, ये फेवरेबल कंडीशन रिप्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर सही हो इनके लिए या फूड सही हो इनके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करो, हम फ्यूल को भी सेव कर सकते हैं। जैसे हमें कहीं पास में जाना है, हम वीका से जा रहे हैं, तो वीका से ना जाके हम या तो साइकिल से जाएं या पैदल जाएं, इस तरीके से हम फ्यूल भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे वेज है एनवायरनमेंट सेव करने की, आप अच्छे से रीड करिए।